नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष ने तमाम बयान, राजनीतिक बयान आज दिए हैं और कुछ दिनों से साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे हैं कि राजनीतिकरण हमारी सेना का हो रहा है। दुख की बात है, शर्म की बात है कि इस तरह का झूठा प्रचार देश भर में भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री तक कर रहे हैं। पूरे देश ने साफ तौर पे देखा, पुलवामा के घटना के बाद हमारे राष्ट्र अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पे सरकार को, सेना को, देश के लोगों के साथ खड़ा होने के लिए, एक साथ एकजुट खड़ा होने के लिए संदेश दिया और आतंकवाद के लिए के खिलाफ लड़ने के लिए सबको एकजुटता का संदेश दिया। उस दुखद घटना के बाद हमने कोई बयान, राजनीतिक बयान नहीं दिया। सब पूरा देश जब गम में डूबा हुआ था, हम भी अपने आंखों को नम करके श्रद्धांजलि अपने शहीदों को दे रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने लगातार अपने सेना का, अपने वायुसेना के पायलटों का, उनकी जांबाजी, उनकी वीरता पर कायल हम हमेशा रहे हैं और जिस तरह का मुंहतोड़ जवाब हमारे सेना ने दिया, हमारे वायुसेना ने दिया, वो पूरा देश जानता है। उनकी वीरता पर जितने हम शब्द करें वो शब्द हमारे लिए कम पड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी साफ तौर पे पूछते हैं कि हम सेना पर उंगली उठा रहे हैं, हम सेना की वीरता पर, वायुसेना पर उंगली उठा रहे हैं। हमने कभी भी अपने सेना पर, अपने वायु से जाबाज वायुसेना के पायलटों पर उंगली नहीं उठाई है। उनको, उनके साथ हम खड़े रहे हैं और उनकी बढ़ाई हम करते रहेंगे और जब तक जिंदा हैं करते रहेंगे। राजनीतिकरण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया है। आज उन्होंने कहा कि 250 लोगों की मौतें इस वायुसेना के अटैक पे हुई थी। मैं साफ तौर से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ये जो आंकड़े हैं, 250 कहीं 250 कहीं 300 कहीं 350, ये जो आंकड़े हैं, प्रधानमंत्री जी ने इन आंकड़ों का खुलासा क्यों नहीं किया है? सरकार ने इन आंकड़ों का खुलासा क्यों नहीं किया है? आज हमने देखा, एयर मार्शल धनोआ साहब ने कहा कि कैजुअल्टी गिनना एयरफोर्स और सेना का काम नहीं है, सरकारों का काम है। एक तरफ साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी के चाहते मंत्री, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है, मैं वहां साफ तौर से आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कहां से ये आंकड़े आए हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो कहीं नहीं कहे कि इतने लोगों की मौत हुई है। और वीरता की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमारे वायुसेना, हमारी सेना पर वीरता की बात करे। अगर किसी ने शर्मसार किया है हमारे वायुसेना को, वो प्रधानमंत्री जी स्वयं हैं, जिन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हमारी वायुसेना बढ़िया काम करती। मुझे मालूम है उनको कष्ट है राफेल के वजह से, क्योंकि उस पर कितना गंभीर आरोप उन पर लगा है, इसलिए उनको बोलते सुनते उनको राफेल राफेल याद आता है। साफ तौर से हमारे जो एयर मार्शल धनोआ साहब है, उन्होंने कहा जो MiG-21 था वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस था और उसमें कहीं भी कहीं कमजोरी नहीं थी।
तो क्या हमारे वायुसेना के हमारे पायलटों की वीरता को के मनोबल को घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये कहा? उनकी वीरता पे अगर कोई सवाल उठा रहा है, हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने वायुसेना के पायलटों से और वायुसेना के हमारे लोगों से माफी उनको मांगनी चाहिए। पहले बार होगा ये, मुमकिन है कि क्योंकि मोदी है कि जिन्होंने वायुसेना की वीरता पर और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाया है। और हम राजनीतिकरण कर रहे हैं। आज पोस्टर भारतीय जनता पार्टी देश में लगा रही है, इतना छोटा फोटो किसका है? जिनकी वीरता के लिए पूरा देश गाना पूरा मग्न मस्तक हुआ हुआ है, विंग कमांडर अभिनंदन जी का, इतना छोटा पोस्टर, पोस्टर भारतीय जनता पार्टी पे, इतना छोटा पोस्टर विंग कमांडर अभिनंदन जी का और इतना बड़ा फोटो प्रधानमंत्री जी का। राजनीतिकरण कौन कर रहा है? साफ तौर से कहना चाहता हूं, बीजेपी का झूठ सबसे मजबूत। पूरा देश जानता है कि इलेक्शन आ चुका है। हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहां तक कि दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आर्मी के कपड़े पहन के वोट मांगने लग गए हैं। और राजनीतिकरण कांग्रेस पार्टी कर रही है, क्योंकि इनके पास कोई सवाल, कोई जवाब किसानों के बारे में नहीं है, इकोनॉमी के बारे में नहीं है, नौकरियों के बारे में नहीं है, राफेल के भ्रष्टाचार के बारे में नहीं है। सब मुद्दे जो 5 साल तक 15 लाख के बारे में नहीं है, ये समझते हैं कि सेना की राजनीतिकरण का फायदा उठाकर हम जनता के बीच में जाए, जो देश के लिए दुखद है। और हमसे सवाल पूछेंगे कि हम सेना की वीरता पर, हम सेना के बारे में क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री माफी मांगे वायुसेना से। और जिस तरह हमारे एयर मार्शल धनोआ ने कहा कि हमारे पास जो हथियार हैं, लेटेस्ट हथियार है, और मुंह तोड़ जवाब हमारे वायुसेना ने दिया है, और उन पर कोई उंगली उठाएगी तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़े होकर माफी मंगवाने का काम भी जानती है। दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, पिछले महीनों में इतने इंटेलिजेंस फेलियर्स हुए हैं, कोई इंटेलिजेंस की बात करने के लिए जो सिर्फ इंटेलिजेंस के अधिकारी देश के व्यक्तियों का इंटेलिजेंस लगाने में लगे हुए हैं, 350 किलोग्राम का आरडीएक्स पहुंच जाता है, वो इंटेलिजेंस फेलियर के लिए किस इंटेलिजेंस अधिकारी या पदाधिकारी को कार्रवाई की जाती है? उन पर कोई जवाबदेही नहीं होगा, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और देश में जो सवाल पूछेगा, जो जिस तरह की राजनीतिकरण हो रहा है, बाकी लोगों को देश प्रेम के बारे में ये भारतीय जनता पार्टी पूछेगी? अफसोस की बात है और दुख की बात है, क्योंकि बीजेपी का झूठ वो समझते हैं सबसे मजबूत है, परंतु इस झूठ को इस देश की जनता उनको अवश्य जवाब देगी। और फिर से मैं एक बार अपनी बात को दोहराता हूं, हमने कभी भी सेना के अटैक्स पर, वायुसेना के एरियल अटैक्स, आतंकी हमलों पर सवाल नहीं उठाए हैं, परंतु ये जो रोज आंकड़े आपके सामने चले आते हैं, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं? ना तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना तो एयर मार्शल धनोआ साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या कह रहे हैं, और भारतीय जनता पूछती है, हम सवाल उनसे पूछ रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं सेना से नहीं पूछ रहे हैं। जो ये र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी जो आपकी है, उस पर जरा ख्याल करिए, और लोगों को आपने जिस तरह का गलत प्रचार कर रहे हैं, इसका जवाब आपको जनता को अवश्य देना होगा। कोई सवाल अगर आपके होंगे जरूर लीजिए। मैं समझ सकता हूँ सिंह साहब, आप मैंने पूरा जब बता दिया महाभारत, आप जो मैंने पूरी महाभारत आपको बता दिया, आप पूछ रहे हैं राम कौन है? नहीं, मैं हिंदी में बोला था, मैं हिंदी में ये चीज पहले शुरू, मैंने हिंदी में इसलिए शुरू किया था। सर, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि अपार्ट फ्रॉम नंबर्स,
नहीं तो कौन नहीं मान रहे? नहीं हम तो सबूत मांग रहे हैं, ये जो 250 के क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने अभी तक बोला है कि 250 लोग मारे गए कि 300 लोग मारे गए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोल रहे? हम वायुसेना पे बोल रहे हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी का झूठ जो सबसे मजबूत है वो समझते हैं, उसको खोखला साबित करेंगे। बीजेपी का जो सबूत है, जो बीजेपी का झूठ है, उसको जो मजबूती उनको देना चाहते हैं उसका हम खोखला करेंगे। हम एयरफोर्स पे नहीं बोल रहे हैं, हम एयरफोर्स के स्ट्राइक पे नहीं बोल रहे हैं, हम वीरता पे बात नहीं कर रहे हैं, और हम आर्मी के कपड़े पहन के हमारे अध्यक्ष लोग जनता के बीच में नहीं घूम रहे हैं। हम कैप्टन विनो विंग कमांडर अभिनंदन जी का इतना छोटा फोटो पोस्टर पे लगा के और मोदी जी का इतना बड़ा फोटो लगाकर वोट नहीं मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं जो देश की मुद्दे हैं और जो प्रधानमंत्री ने देश से वादे किए थे, और देश की वीरता और हमारी सेना की वीरता पर सवाल प्रधानमंत्री न उठाए, और जो उठा रहे हैं उसके लिए माफी मांगे। धन्यवाद। अरे नहीं, अफसोस की बात है, तो डिसलेक्सिया के वाले जितने लोग हैं उनको, जितने लोग डिसलेक्सिक हैं उनके खिलाफ पर मजाक उठाना मैं समझ सकता हूं, इससे इनसेंसिटिव प्रधानमंत्री का कोई बयान हो नहीं सकता है। और जितने डिसलेक्सिक लोग हैं उनके बारे में अगर प्रधानमंत्री इस तरह के मंचों से बात करते हैं, शर्मनाक है, और उनको ऐसे व्यक्तित्व के लिए माफी मांगनी चाहिए।